देखिए बड़ा सुंदर प्रयास है और मुजफ्फरनगर के लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। और इस आयोजन में लगभग 22 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं और ये मुजफ्फरनगर के लिए गौरव की बात है। मुजफ्फरनगर में इस समय 25,000 इनामी डॉलर का ITF टूर्नामेंट चल रहा है और इस समय ये पूरे शबाब पर। मैं आज यहाँ पर बात करना चाहूँगा, यहाँ की जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बताएंगे किस तरह से इस मैच में एक अनोखा आनंद है और वो किस तरह से इस मैच को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगी कि यहाँ से देश विदेश से खिलाड़ी आए हैं और सब अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से परिभाषित कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। और लाइक इतने छोटे से शहर के इतना छोटा शहर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से ये गेम आयोजित किया जा रहा है और इसमें पुलिस और बाकी लोगों की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जो इन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं वो सारी ही बहुत अच्छी हैं। प्लेयर्स को जो बहुत अच्छे से रखा हुआ है, हमने कभी इस तरह नहीं देखा है कि हम अब बहुत सारे टूर्नामेंट्स में गए हैं, बहुत सारी जगह गए हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमने इतना प्यार डॉक्टर अलोक स्वरूप जी से हमने इतना प्यार इतना स्नेह हमने कहीं और से नहीं पाया है। लाइक नॉट फॉर अस ओनली, इट्स फॉर द प्लेयर्स एज वेल कि उन्होंने इतने अच्छे से उसको रखा हुआ है और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बहुत खटकती होगी उनके दिमाग में कि आज उनकी बेटी नहीं है, बट सिंस बींग अ फादर ही इज़ डूइंग अ लॉट फॉर हिज डॉटर। ऐसा मैंने इस तरह का टूर्नामेंट और कहीं नहीं देखा। स्वाति, इसमें किस तरह से रिश्ते एक परिवार और बेटी के बीच डेवलप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उसके ना होने के बाद? सर, ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के सम्मान में कुछ कर रहे हैं। हम वो एक फादर, आप उससे पूछ सकते हैं कि उसकी बेटी उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी और मुझे तो नहीं पता क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जब उनकी बेटी की डेथ हुई होगी और कितना लोननेस एक फादर सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से अटैच होता है और उनको आज कितना लोननेस फील होता होगा, कितना वो क्या फील करते होंगे, दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, बट द थिंग इज़ कि इस तरह का टूर्नामेंट मैंने और कहीं। थैंक यू।